राधे राधे सभी को, मम्मीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी, और जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए बताते हैं हल्का फुल्का। तो यहाँ देखिए, हमने दलिया ले लिया है जो गेहूं का होता है, दला हुआ गेहूं से बनता है। इसको हमने भून करके रख लिया है दलिये को, दरदरा गेहूं को, और वो करवा लेते हैं उसे, बारीक नहीं पिसवाते हैं, थोड़ा मोटा मोटा। और यहाँ देखिए, हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है, धो करके अच्छे से वॉश करके पानी में। और इसके बाद देखिए, हम इसमें डाल देते हैं हल्दी, और हमने नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा काली मिर्ची डाल दी है, आप चाहें तो लाल जैसा भी खाना चाहें, और टमाटर प्याज सब कुछ डाल सकते हैं। मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, मिक्स हो गया है, और इस तरीके से गाढ़ा पतला आप जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं इसे, और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। दो तरीके से हम बनाएंगे, दूध का भी और नमकीन भी। तो यहाँ देखिए, हमने दूध में दलिया डाल दिया है। यहाँ देखिए, नमकीन दलिया के लिए हमने तड़का तैयार कर रहे हैं। तो एक चम्मच हमने देसी घी ले लिया है, और इसमें हम हींग और जीरे का तड़का लगाएंगे। तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसे आप ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, और बुजुर्गों को भी और ख़ुद भी खाएं। तो यहाँ देखिए, हम तड़का डाल दिया है हमने यहाँ पे, ये हमारा नमकीन दलिया रेडी है, और ये देखिए हमारा दूध वाला भी बनने वाला है। तो यहाँ हमने देखिए, ये भी बन करके हमारा रेडी हो चुका है, और दोनों दूध और नमकीन वाले दलिया बन चुके हैं हमारे। और आपको कौन सा पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप भी बनाइए हेल्दी हेल्दी चीज़ें, बच्चों को भी खिलाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो हमारे यहाँ देखिए दोनों तरह के, और थोड़ा सा हम इसमें चाहें तो आप दलिए में तभी नमक डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों तरह का दलिया निकाला था ना, दूध वाला और वो, तो इसीलिए नमक पहले नहीं डाला था। और यहाँ देखिए, चीनी को हमने डाल दिया है क्योंकि बॉईल हो रहा था हमारा दलिया, और अब बंद करके रेडी है हमारा दलिया।